अगली खबर आ रही है गया से, जहां स्थानीय नगर निकाय चुनाव प्रचार करने के अंतिम दिन शुक्रवार के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया। पहली बार जनता अपने मत से ही मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के साथ वार्ड पार्षद को चुनेगी। अब देखना है कि मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देगी, किसको स्वीकार करेगी, किसको अस्वीकार करती है। प्रत्याशियों का जीत अब जनता के हाथ में ही है। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन मतदाता खामोश है, जिसके कारण प्रत्याशी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब 18 दिसंबर को चुनाव के बाद ही पता लगेगा। अभी केवल कयास लगाए जा सकते हैं। मोटरसाइकिल छाप जा गरीब के ढाल फाल घर द्वार घर भी ढहा हुआ है। कॉलोनी नहीं मिला, कॉलोनी कहाँ मिले अमानी के भारत में आप मस्तीपुर समुद्री देवी तोरा कहाँ ना होगा। हर जगह पे जहाँ रोड अच्छी नहीं बना हुआ है, नली अच्छा नहीं बना हुआ है, उस जगह पे काम करना। पहला बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पहला बार। क्या उम्मीद लेके आए हैं? सब लोग तो प्रत्याशी ही बोलते हैं कि हम विकास करेंगे। हाँ। लेकिन धरातल पर उतरता नहीं है। नहीं होता है, लेकिन हम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ स्पेशल करने वाले हैं? महिलाओं के लिए रोजगार और सारे चीज जो जीविका ये सब अच्छी चलता है, ये सब के बारे में। मैं जनता पर पूरा भरोसा किया हूँ, क्योंकि समाज के बीच में रह करके सामाजिक काम, विकास का काम हमेशा करते रहता हूँ। और मैं ये लक्ष्य लेकर के चला हूँ। मैं तो पहली बार, हमारा गांव जुटा है नगर पंचायत में, नगर परिषद में, पहले से नहीं जुटा हुआ था। तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं पब्लिक के बीच जाएं, जनता के बीच जाएं और आशीर्वाद मांगे। संजोग से मौका मिल गया हमें, तो मैं विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। सभी प्रत्याशी तो चुनाव जीतने के वक्त यही बात बोलते हैं कि हम विकास की गंगा बहाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन धरातल पर उतरता नहीं। देखिए, प्रत्याशी तो बहुत हैं, और संजोग से मैं झूठा प्रत्याशी नहीं हूँ, झूठा वादा नहीं करता हूँ, अगर कह दिया तो करेंगे। जो आप इस चीज़ को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कितना युवा लोग हमारे साथ हैं, और हम लोग का प्रयास है कि बोधगया एक इंटरनेशनल पैलेस के नाम से जाना जाता है, और इसमें युवाओं की भागीदारी है और युवा कैंडिडेट उतारे हैं। बोधगया में जो भी समस्या है वो सब लोगों ने देख लिया है कि सबको मौका मिला, लेकिन इस बार एक युवा कैंडिडेट को मौका मिले ताकि बोधगया की जो समस्या वो सुधर सके। और हमारे मतलब पूरा 33 वार्ड से अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, वृद्ध हो, महिला हो, युवा हो, सब लोग हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, और हम लोग के द्वारा ही बोधगया का विकास निश्चित है, क्योंकि युवा की भागी ही सबसे ज्यादा है। कई वर्षों से बोधगया महिलाओं के लिए हम काम करेंगे, बोधगया हम विकास करेंगे, नली गली चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल दो नंबर को कमी का पूरा करवाऊंगा। अभी बताइए कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों क्षेत्र में पूरा पूरा देखिए, जो पिछड़ा थे वो जब तक था, हम लोग के सत्ता आया, हमने सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे, जहाँ तक बनेगा हम लोग मिलकर ही काम करेंगे।